प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों में किस तरह से भीड़ नदारद नजर आ रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रही है, हमले कर रही है। खासतौर से अखिलेश की भी अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश भी लगातार कम भीड़ को लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही जब कुर्सियां खाली होती हैं तो उसकी अगर कोई कवरेज करता है या भीड़ को किस तरह से पैसे देकर के इकट्ठा किया जा रहा है, इसकी जब कवरेज की जाती है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं उनके जरिए उनकी पिटाई तक की जाती है। जैसा कि आपने अभी पिछले दिनों देखा था कि अमित शाह की रैली में किसी ने ये एक्सपोज किया, रिपोर्टर ने ये एक्सपोज किया कि किस तरह से 100-100 रुपये में महिलाओं को मजदूरी के तौर पर लाया गया है। और उनको कई बार ये देखने में भी आता है कि बहुत सारे लोगों को ठेकेदार, जिसको ठेका दिया जाता है दो बसें लाने का, क्योंकि पूरा ये सिस्टम एक ठेके पर चलता है रैली में भरने के लिए, तो उनको पैसा भी नहीं दिया गया है। आज प्रतापगढ़ में मोदी का जैसे ही भाषण शुरू हुआ वहाँ पर जितनी भी जनता मौजूद थी वो इस तरह से निकलने शुरू हो गई। पैसे पर आए जनता भी दो शब्द मोदी का सुनने को तैयार नहीं है। देखिए ये वीडियो। बहुत बड़ा मैसेज है तो देखा आपने, ये प्रतापगढ़ के शॉट्स हैं, किस तरह से जनता मोदी का भाषण शुरू होते ही भागना शुरू कर देती है वहां से, क्योंकि 10 साल से ये टेप रिकॉर्डर जो है वो चलता रह जा रहा है। और जिस तरह से सिर्फ इलेक्शन के दरमियान हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करना चाहते हैं, अब आम जनता को ये मालूम चल गया है कि जो हमारे मेन मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, सिलेंडर के रेट का मुद्दा हो, करप्शन की बात हो या फिर क्राइम की बात हो, इन तमाम मुद्दों को सोशल मीडिया जिस तरह से समय समय पर उठा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की विफलता सामने आ रही है। पिछली बार भी 2019 में सारा ठीकरा जो है वो नेहरू परिवार पर, सोनिया गांधी पर, राजीव गांधी पर, इंदिरा गांधी पर जो है आरोप लगा करके वोट हासिल किए गए। लेकिन इस बार अब 10 साल आपकी सरकार को हो गए, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग ये मालूम कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में हर साल देने की बात कही थी, तो 10 साल होने के बाद क्या 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया? 20 करोड़ तो छोड़िए, कुछ लाख, 20-25 लाख से ज्यादा लोगों को 10 साल के दरमियान रोजगार नहीं मिला है। और आप देख रहे हैं कि जब भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके एग्जाम्स होते हैं तो वो जानबूझ करके या तो लीक किए जाते हैं या फिर वो लीक हो जाते हैं और उसको बहाना बना करके पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता है। और उससे सैकड़ों करोड़ रुपये नौजवानों से जमा किए जाते हैं फीस के नाम पर। अभी आपने देखा कल CUET का पेपर था, CUET पेपर था अंडर ग्रेजुएशन में जो एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो उसका एक कॉमन टेस्ट कर दिया गया है 3 साल से। पहले तो इसको पोस्टपोन किया गया पेपर को, और जब कल हुआ तो जिस तरह की शिकायतें सामने आई, यहां तक बात सामने आई कि पेपर लीक हो गया है, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे जो अभी 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन की दौड़ में लगे हुए हैं उनको पहला झटका लगा है। और बड़ी संख्या है इनमें बच्चों की जो पहली बार वोटर्स बने हैं और वो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अभी अगर सेंटर की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, यहां पर अभी वोटिंग नहीं हुई है लेकिन पहली बार वोट डालेंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, करोड़ों न्यू वोटर्स हैं जो इस बार अपना पहली बार वोट डालेंगे, तो जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनको दिखाई देता है कि किस तरह से रोजगार की बात करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ये वोट हासिल करके अपने मकसद हासिल करना चाहते हैं, अडानी और अंबानी को सिर्फ फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये सारी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों के दिमागों तक जा रही हैं और शायद यही वजह है कि अब जो लोकप्रियता है मोदी की वो लगातार कम होती जा रही है।